नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर में। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में 7 सितंबर में उत्तर प्रदेश के मौसम के हाल के बारे में, लेकिन पहले एक नज़र डालेंगे भारत में बनी मौसमी सिस्टमों पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मानसूनी जो ट्रफ है वो इस समय राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक बनी हुई है। यानी कि ये जो मानसून ट्रफ है ये थोड़ा नीचे खिसक गई है। पहले ये भारत के पहाड़ी राज्यों से उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों से होकर गुजर रही थी, लेकिन ये अब थोड़ा नीचे आ गई है। भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD बना हुआ है, इसके प्रभाव से भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश के आसार बने हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस WD की वजह से बारिश की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि वो बताया था कि ये इस तरह से यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, लेकिन आज शाम तक ये पूर्वी हवाएं हो जाएंगी और कल से उम्मीद है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वी हवाओं का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। बात करें अगर इन मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इन मौसमी सिस्टमों की वजह से भी उत्तर प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। आपको भी बताते हैं किस प्रकार ये बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सर्कुलेशन एक यहाँ पर बना हुआ है और ये क्या होगा कि 9 या 10 सितंबर तक ये यहाँ से धीरे धीरे इस तरह से गुजरात के भागों पर पहुँचेगा, और ये जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है ये और अभी ताकतवर होकर ये 8 या 9 सितंबर के दौरान भारत के यहाँ पर इस तरह से आंध्र प्रदेश के भागों पर पहुँच जाएगा, और ये यहाँ से होता हुआ इस तरह से ये थोड़ा और ऊपर गुजरात के भागों पर पहुँच जाएगा 10 सितंबर तक, और ये इस तरह से गुजरात के भागों पर पहुँच जाएगा। तो लगभग 10 सितंबर के आसपास ये दोनों मौसमी सिस्टम लगभग गुजरात के भागों पर होंगे, कुछ इस तरह से ये यहाँ पर एक जगह मर्ज हो जाएंगे, और ये लगभग भारत के प्रदेश में इन सभी राज्यों में बारिश करेंगे। लेकिन इस सिस्टम की वजह से जैसे ही ये 9 सितंबर के लगभग यहाँ पर पहुँचेगा, तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि पूर्वी राज्यों में बारिश होगी, और इसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 सितंबर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और 9-10 सितंबर में ये बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ती चली जाएंगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य राज्यों तक बढ़ती चली जाएंगी। और जैसे ही ये सिस्टम यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी में एक और यहाँ पर नया सिस्टम बन जाएगा, और ये कुछ इस तरह से ये लगभग 10 सितंबर के आसपास बनेगा, और ये यहाँ से इस तरह से होता हुआ ये यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये 11 सितंबर या 12 सितंबर के आसपास ये यहाँ पर होगा, और ये सिस्टम लगभग राजस्थान के भागों पर होंगे। तो इनकी वजह से क्या होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पे इस मौसमी सिस्टम की वजह से बारिश होने के आसार है। भारत के पूर्वी राज्यों में ये बारिश करेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश करेगा, और ये मौसमी सिस्टम 12 या 13 सितंबर के दौरान यहाँ पर राजस्थान के भागों पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने के आसार संभावनाएं बन जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि 12 या 13 सितंबर के दौरान एक भारत के पहाड़ी राज्यों पर WD आएगा, कुछ प्रभाव उसका होगा, कुछ प्रभाव इस सिस्टम का होगा, और कुछ प्रभाव इस सिस्टम का होगा। तो कुल मिलाकर 12-13 सितंबर से लगाकर 16 सितंबर के दौरान उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी, और कई भागों में मूसलाधार बारिश होने के भी आसार इस दौरान नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह का इफेक्ट पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में इन मौसमी सिस्टमों का। तो आइए अब देखते हैं कि 7 सितंबर में उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में बारिश होने के आसार है। दोस्तों, जैसा कि आप 7 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 7 सितंबर में जो बारिश होने के आसार हैं वे देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ से लेकर इस तरह से और ये इस तरह से, हाँ, यानी कि हम कह सकते हैं कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, सरवस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और मऊनाथ बंजन, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, इन जिलों में बादल देखने को मिलेंगे, और कुछ भागों में हो सकता है कि बारिश की गतिविधियाँ हल्की फुल्की देखने को मिल जाए। लेकिन ये जो भाग यहाँ से यहाँ तक है, इसमें हम कह सकते हैं कि बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने के आसार है, या कुछ भागों में कुछ समय के लिए कहीं पर तेज बारिश की झोंका भी देखने को मिल सकता है। और जो ये जो नीचे के भाग हैं, इनमें हम कह सकते हैं कि प्रयागराज, संत रविदास नगर, कौसाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, झांसी, हमीरपुर, कानपुर, आगरा, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कासगंज, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा, इन सभी भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा
7 सितंबर में उत्तर प्रदेश का। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।